हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस कॉर्नर। और मेरे पास है सैमसंग का रिसेंटली लॉन्च सैमसंग साउंड बार T42EXL, जो कि सैमसंग का अभी के लिए अवेलेबल वन ऑफ द चीपेस्ट साउंड बार है, जिसके साथ आपको सब बूफर देखने को मिलता है और इसके जरिए मिलता है 150 वॉट का साउंड आउटपुट। सो आज इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो को लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन, बिकॉज मैं पिछले कई दिनों से इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तो शायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा। जिस प्राइस में आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला ये एक बजट प्राइस रेंज का साउंड बार मिलता है, आपके टीवी के लिए एक वैल्यू मनी साउंड बार रहेगा या फिर नहीं। तो गाइस, फ्लिपकार्ट ने डिलीवर किया कुछ इस तरह के बॉक्स में मेरे पास सैमसंग साउंड बार T42E। बॉक्स काफी सेफली पैक था, तो सबसे पहले तो इसकी कुछ जो सेफ्टी प्रोटेक्शन वगैरह है इसको निकाल देते हैं। बॉक्स पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर में आता है। सैमसंग की ब्रांडिंग और मॉडल नेम बॉक्स के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे सभी तरफ दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ की फीचर्स भी दिए हुए हैं साउंड बार के, जैसे कि पावरफुल बेस, बन रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट साउंड मोड, गेम मोड, साथ में ब्लूटूथ टीवी कनेक्शन। साथ में कुछ और डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि DTS 2.0 चैनल, डॉल्बी ऑडियो, ऑप्टिकल केबल इंक्लूडेड, 150 वॉट का टोटल RMS साउंड आउटपुट। इसके अलावा 2.1 चैनल पर बेस्ड है और ब्लूटूथ तो इसमें मिल ही जाता है। बाकी बॉक्स के इस तरफ यहाँ पर एक स्टिकर है, जिसके ऊपर आपको बॉक्स कॉन्टेंट्स की डिटेल, मॉडल नेम, मैन्युफैक्चर्ड बाय, इंपोर्टेड बाय की डिटेल्स, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, मतलब कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। साथ में यहाँ पर कस्टमर केयर डिटेल्स वगैरह भी दिए हुए हैं। इसके अलावा दिया हुआ है MRP जो है 16990, मतलब कि 17,000 रुपये। लेकिन आपको ये वेरिएंट, जिसका मॉडल नेम है सैमसंग HW T42EXL डॉल्बी डिजिटल ब्लूटूथ साउंड बार, जो आता है 150 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ में, मिल जाएगा करीब करीब 899, मतलब कि 9,000 रुपये के अप्रॉक्स रेगुलर प्राइस में। बाकी सेल वगैरह अगर चल रही है तो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल सकता है। बेस्ट वाली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। बाकी जब मैं इसको परचेस कर रहा था तो मैंने चेक किया था, ये जो प्रोडक्ट है कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया दिया हुआ था और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया भी दिया हुआ था और डिटेल्स अभी भी सेम है, लेकिन बॉक्स के ऊपर मेड इन चाइना है। सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। नेक्स्ट, अभी के लिए फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की, वो लोगों का काफ़ी अच्छे से दी गई है और कुछ इस तरीके से आप जो साउंड बार और सब वूफर है उसको निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और सामान भी मिलता है और ओपन करने का थोड़ा सा तो यूनिक तरीका है इसको, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें एक्सेसरीज़ की, तो यहाँ पर आपको वॉल माउंट और कुछ स्क्रूज़ वगैरह बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर मिल जाती है एक पावर कॉर्ड, जिसकी लेंथ है करीब 1.5 मीटर। नेक्स्ट यहाँ एक ऑप्टिकल ऑडियो केबल बॉक्स के अंदर साथ में दी गई है, तो अच्छी बात है, अलग से बाय नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ एक यूज़र मैनुअल मिलता है, साथ में एक रिमोट कंट्रोल, साथ में AA साइज़ की बैटरीज भी बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। और अब आ जाते हैं अपने बॉक्स के मेन कंटेंट, मतलब कि साउंड बार और सबवूफर के ऊपर। तो यहाँ पर साउंड बार के ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है, जिसके ऊपर की फीचर्स बताए गए हैं, जो कि आपको बॉक्स के ऊपर भी दिए गए थे। बस यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी है, 6.5 इंच का बेस ड्राइवर दिया गया है सबवूफर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी फर्स्ट लुक में ही साउंड बार और जो सबवूफर है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन वगैरह है, काफ़ी डिसेंट दिखती है। साउंड बार और सब वूफर के सामने की तरफ ब्लैक कलर का एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ जैसा दिया हुआ है, जिसके अंदर जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो सेफ रहते हैं। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग की ब्रांडिंग साउंड बार के ऊपर और सब वूफर के भी सामने की तरफ दी गई है। बाकी जो सब वूफर है ये पूरा का पूरा एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वुडन कैबिनेट में आता है। पीछे की तरफ यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़े साइज़ का होल दिया गया है और सब वूफर के पीछे ही ये एक बेसिक सा, एक ऑर्डिनरी सा केबल दिया गया है, जिसके ज़रिए साउंड बार से सब वूफर को कनेक्ट कर सकते हैं, अलग से पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब वूफर को। बाकी मुझे पर्सनली लगता है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बाकी पावर कॉर्ड को भी यहीं पर इंसर्ट करना है। बाकी साउंड बार जो है एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, वुड का नहीं है। नीचे की तरफ रबर के पैड्स हैं, जिसकी वजह से ग्लॉसी सरफेस पर रखेंगे तो बेटर ग्रिप मिल जाएगी। चाहे तो आप वॉल माउंट भी करा सकते हैं साउंड बार को, फ्री में डेमो इंस्टॉलेशन मिलता है। भाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो 3.5mm वाला ऑडियो इनपुट जैक नहीं है, केवल एक ऑप्टिकल केबल के लिए पोर्ट है, साथ में एक USB पोर्ट है, जिसके अंदर आप पेन ड्राइव वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए प्लग इन कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन दिए हुए हैं, प्रेस करेंगे पावर बटन तो ऑन हो जाता है और एक डिस्प्ले भी दिखाई दे जाता है, जो कि इनविजिबल सा रहता है जब ऑफ होता है। बाकी जो सिलेक्टेड कंट्रोल बटन्स हैं, यहाँ पर आपको एक सोर्स बटन मिलता है, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं
मतलब कि ब्लूटूथ या फिर ऑप्टिकल केबल या फिर यूएसबी, जिसके भी जरिए इस्तेमाल करना है। बाकी वॉल्यूम प्लस और माइनस के बटन्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको कि प्रेस एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको रिमोट भी मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक सा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरीके से बटन्स को ऊपर या नीचे की तरफ प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं। साथ में बेस भी मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं सबवूफर प्लस या माइनस के जरिए। साथ में एक म्यूट बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक साउंड मोड का बटन है, जिसके जरिए चार डिफरेंट प्रीसेट मोड्स के बीच में आप स्विच कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, सराउंड, गेम मोड, इसके अलावा स्मार्ट मोड। और स्मार्ट मोड काफ़ी स्मार्ट है, बिकॉज ये डिटेक्ट कर लेता है जिस भी तरह का आप कंटेंट प्ले कर रहे हैं। जैसे कि न्यूज़ अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर बेस की ज़रूरत नहीं है, तो बेस आपको सुनाई नहीं देगा। बाकी यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी डिफरेंट ट्रेबल बेस वगैरह की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। इसके अलावा इनपुट सोर्स बटन भी रिमोट के ऊपर दिया हुआ है। एक जॉयस्टिक दिया हुआ है फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह करने के लिए, म्यूज़िक प्ले पॉज करने के लिए अगर आप ब्लूटूथ के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्लूटूथ पेयर बटन भी है, साथ में एक पावर ऑन ऑफ बटन भी है, जिसके ज़रिए आप ऑफ भी कर सकते हैं रिमोट के ज़रिए साउंड बार को। भाई ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आप बेसिक से मेथड को फॉलो करके किसी भी एंड्रॉइड, आईओएस स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इस साउंड बार को, तो ये एक काफी बढ़िया बात है। वैसे अभी के लिए मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ ऑप्टिकल केबल के जरिए, और सब बूफर को मैंने नीचे रखा हुआ है, ज़मीन पर कनेक्ट किया हुआ है इसको अपने वन प्लस टीवी के साथ में, और चेक कर लेते हैं इसका साउंड आउटपुट। और हाँ, साउंड आउटपुट को थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा आपके ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स का। इसके अलावा बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है रिकॉर्ड हो रहा था बोया M1 लेपल माइक से, जो कि मैं यहाँ पर कॉलर पर यूज़ करता हूँ। इसको मैंने साउंड बार से करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ था, और इसके अलावा जो रूम का साइज़ था वो था 10x12। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो अभी के लिए एक्सपीरियंस करिएगा। तो ये तो था म्यूज़िक का सैंपल, जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया आपको अंदाज़ा लग गया होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वेल बैलेंस साउंड आउटपुट मिल जाता है अप टू 100% वॉल्यूम इस साउंड बार के जरिए। अलग अलग तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड हैं, वोकल्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं म्यूज़िक के दौरान। इसके अलावा डीप बेस भी मिल जाता है, बिकॉज ऑफ 6.5 इंच का बेस ड्राइवर मिलता है सबवूफर के अंदर। ट्रेबल भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाता है। वैसे स्पेसिफिकली तो सैमसंग ने नहीं बताया है कहीं भी साउंड बार के अंदर कितने स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। 100% तक के वॉल्यूम पर आपको कोई भी किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन सुनने को नहीं मिलता है इस साउंड बार के जरिए। नेक्स्ट बात करें, कोई मूवी, टीवी शो, ट्रेलर या फिर कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो किस तरह का साउंड आउटपुट मिलता है, तो अक्सर करके 2.1, 4.1 या फिर 5.1 वाले जब होम थिएटर इस्तेमाल करते हैं टीवी के साथ में, तो मूवीज़ वगैरह अगर बॉलीवुड की देख रहे हैं तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं वहां पर डायलॉग्स वगैरह कम रहते हैं, बैकग्राउंड स्कोर का जो साउंड होता है वो ज्यादा होता है। ऐसे में होम थिएटर्स पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी वॉल्यूम कम करना है, कभी ज्यादा करना है, कभी बेस कंट्रोल करना है, लेकिन ये जो साउंड बार है ये आता है स्मार्ट साउंड मोड के साथ में, जो कि कॉन्टेंट डिटेक्ट कर लेता है क्या देख रहे हैं आप टीवी के ऊपर, और ऑटोमेटिकली यहां पर जो साउंड बार है अगर आप स्मार्ट मोड में रखेंगे डिटेक्ट कर लेगा कॉन्टेंट को, उसी हिसाब से आपको साउंड आउटपुट मिलता है। बाकी ये रहा एक छोटा सा सैंपल, आप भी एक्सपीरियंस करिएगा, थोड़ा छोटा ही है because of copyright aa sakta hai. Little Brian, I have a gift for you. Your daddy gave me this. And now I'm gonna give it to you. Alright, Dom. What's next? No matter how fast you are. I am not too big a fan to you. Manya. Manya name? Fresh Rose, Sam, wo khelta hai Manya ke saath? Kya khelta hai, bhai? Chupan chupan khelta hai. अच्छा मान्या, रशि कहाँ का छुट्टी बताओ जरा। और सो अभी शायद आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा किस तरीके से आपको साउंड आउटपुट मिलेगा मूवीज़ वगैरह के दौरान, और अगर आप न्यूज़ वगैरह भी देख रहे हैं तब भी ये साउंड बार डिटेक्ट कर लेता है आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो अननेसेसरी आपको बेस वेस जैसा सुनने को नहीं मिलेगा न्यूज़ के दौरान। सो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे इस साउंड बार का। बाकी यहाँ पर जो साउंड बार है स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड है सैमसंग टीवीज़ के लिए, जहाँ पर कि आपको वन रिमोट मतलब कि एक ही रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के लिए। सो सैमसंग का टीवी है तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, लेकिन मैं तो इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ वन प्लस
टीवी 43 इंच के साथ में, जो कि आपने देखा और साइज आप अंदाजा लगा सकते हैं 43 इंच के साथ में किस तरह से दिखता है ये साउंड बार। और मुझे लगता है 55 इंच के टीवी के लिए भी अगर खरीदने की सोच रहे हैं फिर भी आप इसको जरूर से कंसीडर कर सकते हैं साइज वगैरह के हिसाब से। फाइनली मैं बात करूँ ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कनेक्टिविटी ऑप्शन की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। 3.5 mm वाला ऑडियो इनपुट जैक नहीं है, इसके अलावा HDMI आर्क वाला जो इनपुट जैक होता है वो भी नहीं है। सो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑप्टिकल इनपुट है जो कि काफी अच्छे से काम करता है, साउंड आउटपुट भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, ब्लूटूथ भी काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन बताया नहीं है सैमसंग ने कौन सा है, कहीं भी मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन रेंज वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। 8-10 मीटर तक तो फोन के साथ मैंने कनेक्ट करके इस्तेमाल किया, कनेक्ट रहता है अच्छे से अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें जो डिजाइन मिल रहा है, जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो साउंड आउटपुट मिल रहा है काफी बढ़िया है और थोड़ा सा सैमसंग ब्रांड का सेटिस्फेक्शन भी है। सो इस प्राइस रेंज का अगर आप कोई भी साउंड बार खरीदने को सोच रहे हैं तो इस साउंड बार को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा कंपेयर भी करके देखा इसके प्राइस रेंज के कुछ और साउंड बार्स हैं जैसे कि बोट ब्लाउपॉन्क की तरफ से जो आते हैं, लेकिन किसी भी साउंड बार में आपको 150 वॉट का साउंड आउटपुट नहीं मिलता है इस प्राइस के अंदर। और सेल भी आने वाली है और हो सकता है आपको ये 8000 रुपए के आसपास मिल जाए सेल के अंदर। सो मैं बोलूंगा जरूर से आप इसको खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से एक पिक है। बेस्ट वे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जो भी इस तरह का कोई भी साउंड बार खरीदने को सोच रहे हैं उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफी सारे वीडियोज काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका कोई और सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।